हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज का वीडियो वाकई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है एनटीए टेस्ट अभ्यास जो आप लोगों का चल रहा है ना, नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो आप लोग डेली मॉक टेस्ट पेपर्स अटेंड कर रहे हैं उन पे बेस्ड है ये वीडियो। और मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो लेटेस्ट आपका जो 7th पेपर अपलोड हुआ है उसके बायोलॉजी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। नॉट ओनली द सॉल्यूशंस, मैं आपको उसके साथ में एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड करूंगी जो उन क्वेश्चंस से रिलेटेड है, और उनके आसपास के एरिया के भी जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज आप हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मिस कर जाएं। एनटीए के जो मॉक टेस्ट पेपर्स अब हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें आइडिया लग रहा है वो ये लग रहा है कि नीट का एग्जाम आपका थोड़ा सा हो सकता है पेपर टफ हो जाए। लास्ट ईयर पेपर टफ नहीं था, इजी था, इसीलिए आपका कट ऑफ काफी हाई गया था। लेकिन इस बार अगर पेपर टफ होगा तो आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। और ये डरने की बात नहीं है कि पेपर टफ हो रहा है, बल्कि ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ लो जाएगा और आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो पेपर आपके लिए टफ होगा तो बाकी सबके लिए भी वो टफ होगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, मुझे देखना है कि आप लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है मेरे इस वीडियो पे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स के आगे सॉल्यूशंस बनाऊंगी। अगर आपको फिजिक्स के भी पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए मॉक टेस्ट के, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं उसके वीडियोज भी प्रिपेयर कराऊं। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth, and chylomicrons are small lipoproteins that are transported from the intestine into blood capillaries. Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like sodium ion, and auxiliary cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. इसका मैंने एक explanation आपके लिए रख रखा है, वो ये है, after digestion क्या होता है, most of the monosaccharides are absorbed into the body via active transport using sodium ions. Fructose is absorbed via facilitated diffusion. Fructose जो होता है वो facilitated diffusion के through होता है absorb, and amino acids are absorbed via secondary active transport using sodium ions. और जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं दे कैन नॉट एंटर ब्लड कैपिलरीज एंड हेंस एंटर लैक्टियल्स। ओनली 5% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन द माउथ, सिर्फ 5% हाइड्रोलाइज होता है हमारे माउथ में, एंड प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल्स इन द स्टमक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका वो होगा, फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशंस हैं ये बिल्कुल करेक्ट, और ये आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से फाइंड आउट किए हैं, इसलिए इनको आप सेव जरूर करिए ताकि आपको दोबारा देखने में आपकी हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, स्पीशीज। करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सबसे बेसिक लेवल होता है, उसके बाद में धीरे धीरे स्पीशीज, फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, फिर लेवल आपका बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑप्शन इज इनकरेक्टली मैच। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे। इको आर वन प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स करता है, डीएनए लाइगेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। यस, डीएनए लाइगेस जो होता है, जब डीएनए का हम रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो वहां पे जो उसके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको लाइगेट करने के काम में आता है, और वो उनको लाइगेट करके एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, तो ये उसका मतलब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ओराई क्या होता है, दैट इज कॉपी नंबर, नो दिस इज नॉट, एंड सिलेक्टेबल मार्कर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है सिलेक्टेबल मार्कर, हमें पता बताता है कि कहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वहां पे जा करके बाइंड होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पे वो होगा आपका ओराई, क्योंकि ओराई जो होता है दैट इज द एक्चुअली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से आपकी रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ कंबाइंड पिल। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसके लिए आपका रखा हुआ है, दैट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर डेवलप्ड टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, एंड कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूडिंग सीओसीपीज इनहिबिट फॉलिकुलर डेवलपमेंट
एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द ए ऑप्शन. दीज इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स. ओके बच्चों, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर में वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है. अराउंड जो 30% क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से बाहर के आ रहे हैं. अभी तक हमारे दिमाग में ये था सेट कि अब पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, लेकिन उनका बेस तो एनसीईआरटी है, बट जो उनकी अपकमिंग है वो आपके एनसीईआरटी के बाहर है. लेवल जो है वो एनसीईआरटी से काफी ऊपर है. तो इसलिए इसको पूरा देखिए, अच्छे से समझिए. और मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि कहां से आपके क्वेश्चंस ये मॉक टेस्ट पेपर में जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और किस लेवल के दे रहे हैं. मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको और वहां पे सजेस्ट भी करूंगी कि आप वहां से वो क्वेश्चंस डाउनलोड करें, और इवन मैं खुद वहां से क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल जाए. और जो बच्चे नए हैं, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आगे आ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5. इन 1963 सेवरल वराइटी सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना विच वर हाई यील्डिंग एंड डिजीजेस रेजिस्टेंट वराइटी ऑफ वीट, बाजरा, राइस या फिर ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है बच्चों? वीट है इसका करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, देख लीजिए. सोनालिका एंड कल्याण सोना इज अ वीट वराइटी, वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1963. दीज आर हाई यील्डिंग ड्रग रेजिस्टेंट वराइटीज. तो ये क्वेश्चन ड्रग रेजिस्टेंट वराइटीज के नाम से भी आ सकता है. ओके देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, डिजीज रेजिस्टेंट वराइटी. क्लियर? तो कनेक्शन है बीच में इनमें आपस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा स्पीड ज्यादा है क्योंकि मेरे पास में 90 क्वेश्चंस हैं आपको कराने के लिए. बाकी फिजिक्स में भी 45 होते हैं, केमिस्ट्री में भी 45 होते हैं, लेकिन मुझे आपको 90 क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड अपनी तेज रखनी होगी. आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज अबाउट 75 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर मिनट, देन द कार्डियक आउटपुट विल बी. इसका आंसर जो होगा वो पहले बता देती हूँ, 5250 ml. अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहां पे 5250 ml, तो आप 5000 ml भी लगा सकते हैं. मेरे पास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो इसका जस्ट रिवर्स था, उसमें ये क्वांटिटी दे रखी थी और आपसे 70 ml जो क्वांटिटी है स्ट्रोक वॉल्यूम वो पूछ रहा था, तो मैंने वहीं से इस आंसर को फाइंड आउट किया है. देखिए, the heart beats 72 times per minutes. From this it could be deduced that the duration of a cardiac cycle is 0.8 second. During a cardiac cycle each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume. Clear? Stroke volume aap samajh rahe hain na? The stroke volume multiplied by the heart rate number of beats per minute gives the cardiac output. Therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out of each ventricle per minute and averages 5000 ml और 5250 ml as given in the question. ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए कौन सा होगा. ये क्वेश्चन इसका जस्ट रिवर्स था. क्लियर बच्चों? मेरे ज्यादा टाइम नहीं था, अभी तक किसी ने भी इस पेपर 7 का वीडियो नहीं बनाया है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर NTA यानी कि नेशनल टेस्ट अभ्यास पेपर 7 बायोलॉजी सोल्यूशन का. सो बच्चों इसे लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत जल्दी बहुत मेहनत की है. रात में ही आपका ये पेपर अपलोड हुआ है 12 बजे. In amoeba, the dash vacuole is important for osmoregulation and excretion in many cells as in protist, dash vacuoles are formed by engulfing the particles. Correct option आपका जो होगा बच्चों, that is the contractile. जो amoeba होता है उसमें contractile vacuole होती है, वही responsible होती है osmoregulation के लिए भी और excretion के लिए भी. और बाकी जो कुछ other protist होते हैं उनमें जो food vacuole होती है, that is responsible for the engulfing ऑफ फूड पार्टिकल्स या एनी अदर पार्टिकल. क्लियर? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द ऑप्शन विद द एक्यूरेट मैचेस. क्लियर गाइस? ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन थोड़ा सा छिप गया है स्नैपशॉट में. तो यहाँ पे आप देखिए, ऑपरेटर साइट है. ऑपरेटर साइट वो साइट होती है जहां पर क्या बाइंड होता है, रिप्रेशर मॉलिक्यूल बाइंड होता है. प्रमोटर साइट वो साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है.
एंड रेगुलेटर जीन वो होते हैं, रेगुलेटर नाम से ही पता चल रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, रेगुलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा रिप्रेशर प्रोटीन बना रहे हैं जो कि आगे चल करके उस प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। तो यानी कि वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, रिप्रेशर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे किसकी हेल्प से, रेगुलेटर जीन की हेल्प से। तो सी ऑप्शन में थर्ड आपको कहां पे दिख रहा है, सी ये देखिए थर्ड दिख रहा है। ए का मैंने आपको सेकंड बताया था जहां रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड होता है, बी ऑप्शन मैंने आपको बताया था प्रोमोटर साइट जहां पे पॉलीमरेज बाइंड होता है, बी का फर्स्ट आपको दिख रहा है। एंड स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो कोड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, एंजाइम को। आई होप कि आपको ये चीज पता होगी कि स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम होता है। तो डी ऑप्शन जो हो गया आपका वो क्या काम करेगा, डी ऑप्शन जो होगा वो आपके थर्ड ऑप्शन को लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेक्ट है, नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो आप देखिए इसमें ए का सेकेंड दे रखा है आपको, ठीक है, बी का फर्स्ट दे रखा है। एंड सी ऑप्शन जो है वो देखिए आपको दे रखा है फोर्थ, इसका कोड्स ऑफ फॉर रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स। एंड जो डी ऑप्शन है आपको वो थर्ड का दे रखा है, कोड्स फॉर द प्रोटीन और एंजाइम। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन छुप गया था, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें उसको देखने की, हमारा पहले ही आंसर फाइंड आउट हो गया। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके भी मैंने दिया है कि इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अ रिप्रेशर इज अ डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनहिबिट्स एक्सप्रेशन इन वन एंड मोर जीन्स बाइंडिंग टू द ऑपरेटर और एसोसिएटेड साइलेंसर। अ डीएनए बाइंडिंग रिप्रेशर ब्लॉक्स द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर, दस प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स इनटू द मैसेंजर आरएनए। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको, ये भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बैकुलो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक्स। बैकुलो वायरस जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को भी अटैक करते हैं और ऑर्थोपोड्स को भी अटैक करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा होगा करेक्ट दैट इज द बोथ ए एंड बी। इसका मैंने ये देखिए आपको डेफिनेशन दे दी है दैट बैकुलो वायरस, इनको बैकुलो वायरेडी भी कहते हैं और ये ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थोपोड्स पे, ठीक है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इंटरफेज स्टेज। पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज एंड एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट कवर्स ओवर 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो जो ये होती है इंटरफेस स्टेज, इस स्टेज में ही सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, सबसे ज्यादा जो सेल एक्टिव होती है वो इसी फेज में होती है और ये सबसे स्टार्टिंग की फेज होती है, तो प्रिपरेटरी फेज भी इसको कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट हो गए। एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंस होती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वन, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी इट कवर्स ओवर 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, यस दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड सी4 पाथवे इज। आंसर आपको पहले बता देती हूँ, ऑक्सेलो एसिटेट एसिटिक एसिड होगा। अब आप साइकिल देखिए, क्रेब्स साइकिल देखिए और साथ में सी4 पाथवे भी देखिए, दोनों में देखिए आप कौन सी चीज कॉमन है, पीईपी, ये देखिए आपको ऑक्सेलो एसिटेट दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे भी आपको ऑक्सेलो एसिटेट दिख रहा है। क्या और कोई चीज आपको यहाँ पे कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी ऑप्शन। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर फ्लॉक्स। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि ये जो फ्लॉक्स होता है FLOCKS, ये आपका जो बर्ड्स का झुंड होता है उनको कहा जाता है। और यहाँ पे जो फ्लॉक्स की बात की जा रही है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, दे आर द यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड फ्लॉक्स, दे आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया associated with fungal filaments forming a mesh-like substance. देखिए कहाँ पे दे रखा है, masses of bacteria, masses of fungi with root of higher plants, association of fungi with algae, masses of bacteria with fungi. तो correct option क्या होगा हमारा, C option. बाकी explanation आप यहाँ से देख सकते हैं। Mostly इनका जो use होता है वो sludge के काम में use होता है, जो digester tanks होते हैं उनमें use होता है। Clear guys? कुछ बच्चों के मेरे पास में message आ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट ये आ रहे हैं ये पेपर्स हिंदी में क्यों नहीं है। तो बच्चों आप लोग इसके ऊपर पूरी तरह मत डिपेंडेंट रहिए, जो बच्चे हिंदी से क्वेश्चन देकर के कर रहे हैं तो वो आप दूसरे सैंपल पेपर्स जो हैं आपके पास में वो आप लगाइए, उनको सॉल्व करिए,
क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर्स इसमें हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इवन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन आल्सो, वो सिर्फ आपको आपका रिजल्ट दिखा रहे हैं कि आप क्या वैल्यू आपकी, आप कौन सी रैंक, मतलब क्या आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको वो शो कर रहे हैं जस्ट। ओके, तो आप पूरी तरह से डिपेंडेंट इस पे मत रहिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोग जो है और सैंपल पेपर्स जो आपके पास में उन्हें लगाइए, उनको करिए, और बाकी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं अपने सारे वीडियोस जो है वो बायलिंगुअल रख रही हूँ इसलिए इस टाइम पे, ताकि वो दोनों टाइप के बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। तो आप उनको देखिए मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं इसमें जो मैंने अभी आपको वीडियोस में कराए थे, वही क्वेश्चन मुझे मॉक टेस्ट पेपर्स में मिल रहे हैं। तो बच्चों आप लोग उनको देखिए और उनसे सीखिए, आपको मैं सारा उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी आपको लिस्ट दे रखी है, लिंक भी दे रखा है क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वहां से जाकर के देखिए और उनको सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम को अच्छा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूरो थर्ड नॉर्म्स। बहुत ही ये जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, दैट इज द डी ऑप्शन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सर्च करके करूंगी, क्योंकि मुझे यूरो थर्ड नॉर्म के तो सारे आंसर्स इसमें प्रॉपरली मिल रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर फाइंड आउट करके आपको किसी और वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगी, बट राइट नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। एक चार्ट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है एक्चुअली वो डेवलप कैसे होती है, इट डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। समवन से जो मतलब है वो मतलब आपको नेचुरली मिल रही है, जो आप मदर से मिल सकती है, ब्रेस्ट मिल्क से मिल सकती है, इवन प्लेसेंटा से मिल सकती है, एंड जो आर्टिफिशियल होती है वो होती है एंटीबॉडीज जो हम मेडिसिन के थ्रू रिसीव करते हैं, या एग्जाम्पल आप देख लीजिए फ्रॉम अ गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। क्लियर, तो जो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है बर्थ के जस्ट आफ्टर, एंड एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय फेटस थ्रू प्लेसेंटा करेक्ट है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वीनम इंजेक्टेड इन पेशेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, दैट इज द ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन। क्लियर, सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, चार्ट से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द एक्सप्लेनेशन भी देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने, द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉट ओनली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बट ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिनकी डेफिशिएंसी मेनली अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को और सेल्यूलर रिस्पायरेशन को। यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, CuMn and Fe, CuNi and Mo, Mn, Cu and calcium, potassium and sodium। तो जो यहाँ पे देखिए आपको copper, manganese and iron, यानी कि जो first option है that is the A option, CuMn and Fe is correct here, यानी कि important mineral constituents होते हैं जिनकी deficiency से ये दोनों process affect होती हैं। Next question देखते हैं हमारा, a vein possesses a large lumen because, अब ये ऑप्शंस आप लोग देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ इसका, कि जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है इन द वेन्स, मेकिंग अ लार्ज ल्यूमन इन वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, द ट्यूनिका इन टर्न और मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, द ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो डी ऑप्शन होगा, ट्यूनिका मीडिया इज अ थिन कोट। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, high concentration of calcium ion and sodium ion and decreased level of estrogen, accumulation of uric acid leading to the inflammation of joints। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको explanation देती हूँ कि osteoporosis जो होती है एक age related disorder होती है, of किसकी होती है, skeletal system की होती है, and it is caused due to the weakening of bones by decreasing calcium ion and estrogen level। clear, and estrogen helps in decreasing the reabsorption of bone by decreasing osteoelastic activity, as the estrogen
levels decrease the osteoelastic activity, increases and more calcium ion is withdrawn into blood from bone, resulting in osteoporosis. So, जो यहाँ पे आपका correct option होगा बच्चों, that is the C option, decrease level of estrogens. Clear? Next question है आपका, the most widely accepted theory of ascent of sap in tree is capillarity, role of atmospheric pressure, pulsating action of living cell and cohesion, tension, transpiration, pull model. यही option आपका correct होगा, D option. क्यों होगा? Explanation देख लीजिए, Dixon and Jolly ने दी थी ये theory, transpiration, pull and cohesion theory. ध्यान रखिएगा, scientist name भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो scientist name के according भी पूछ सकते हैं. In plants, water rises in the stem through xylem elements. Water rises due to the phenomena of cohesion and transpiration pull theory given by Dixon and Jolly. And it is the widely accepted theory and for the ascent of water or plant sap. Cohesion is the property of molecules of the same substance to remain together. मैंने definition भी दे दी है. During transpiration, when there is a scarcity of water in the aerial region, then transpiration pull occur. Due to cohesion between water molecules and transpiration pull, water rises upward in stems. So, जो correct option आपका क्या है बच्चों? D option correct है. Next question है, question number 19. Which of the following statement is true? Spores are always diploid, spores and gametes are diploid, gametes are always haploid, या फिर spores are gametes. C option जो होगा, correct होगा. Clear बच्चों? जो spores होते हैं, वो भी haploid होते हैं, diploid नहीं होते हैं. गैमीट्स भी जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं ऑलवेज. तो यहाँ पे डिप्लॉयड एक जगह दे रखा था, यहाँ पे दोनों को डिप्लॉयड दे रखा है और स्पोर्स को ही गैमीट्स कहा गया है. नहीं, दोनों अलग अलग चीज होते हैं. तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें. Which are the correct statements in flowering plants? Tracheids and vessels are the main water transporting elements. Correct है. In gymnosperm, tracheids are the chief water transporting elements. ये भी correct है. The companion cells play an important role in the maintenance of a pressure gradient in the sieve tube. D option जो होगा all of these, ये correct answer होगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि सारे ही points ये correct है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, देखिए मैंने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में स्क्रीनशॉट लिया था क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे. यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल फिल करना है, यानी कि जो ए बी और सी है पे क्या आने वाला है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. मैं आपको साइकिल का ही डायग्राम दिखा देती हूँ, आप आसानी से फिल कर लेंगे. पहले ए पॉइंट पे क्या आएगा? रिबुलोज 1.5 बिस्फॉस्फेट. तो कहाँ पे है देखिए, दोनों में, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, यानी कि फर्स्ट और डी ऑप्शन में होगा हमारा करेक्ट आंसर. बी पे क्या आएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये देखिए बी पे दे रखा है, ट्राइस फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे क्या दे रखा है? फॉस्फोग्लिसरेट. एंड जो सी ऑप्शन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे सी पे कौन सा आएगा? ट्रायोज फॉस्फेट. ट्रायोज फॉस्फेट कहाँ पे आ रहा है? सी पे आ रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी पे पीजीए दे रखा है जो कि गलत है. क्लियर बच्चों? साइकिल से याद रखिए, देखिए किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, आपके एग्जाम किस तरह का लेवल आने वाला है. आई थिंक आपको ये मॉक टेस्ट पेपर्स दे करके अच्छी तरह से क्लियर होता जा रहा होगा. और बच्चों इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जरूर शेयर करिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए सारे के सारे पेपर्स के इतनी जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, जैसे कि आप एग्जाम दें और तुरंत उसके बाद में आप अपना रिजल्ट देखें और आंसर्स देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, वहां के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी ऑप्शन, दैट ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट एंड इट्स जेनेटिक मेकअप एंड ऑल्सो द फिजियोलॉजी. क्लियर? आप इस एक्सप्लेनेशन को नोट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं आगे के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिपैनोसोमा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है ट्रिपैनोसोमा पे. दे आर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, यस. दे आर पैरासाइट्स, यस. दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस, यस. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्लियर गाइज?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए इसमें मैंने आपको डायग्राम ही दे दिया है, उसके बेसिस पे आप ये आंसर इजिली कर देंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी पे क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में भी कराया हुआ है, इवन कुछ क्वेश्चंस पहले भी निकल गए हैं जो मैंने क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं उनमें मैं वो क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा ए पे कौन सी आ जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स आपको कहीं दिख रही है? यस, एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 एंटीपोडल सेल्स है। ओके, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। बी पे क्या है हमारे, पोलर न्यूक्लियाइज है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई बी पे, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। और सी पे हमारा क्या है, एक्सेल है, एक्सेल सी पे कहाँ दिख रहा है, 2 सिनर्जिड कह रहा है, नो रॉन्ग हो गया ये। और यहाँ पे सी पे क्या दिख रहा है, नहीं, तो एक्सेल कहाँ पे दे रहा है, बी ऑप्शन पे देखिए दे रहा है, सी पर एक्सेल है। एंड डी पे क्या कह रहा है, 2 सिनर्जिड सेल्स है, ये देखिए डी पे आपको 2 सिनर्जिड सेल दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर गाइज, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, डायग्राम दे दिया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात कर रहा है और उस रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वो 5 प्राइम एंड पे जो होता है एडिशन होता है, ठीक है, किसका, 7 मिथाइल गुआनोसिन का। तो इन कैपिंग 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द 3 प्राइम एंड, नो, यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड की बात कर रहा है तो नहीं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए टू एचएनआरएनए, नो, ये एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये रिमूव करता है इंट्रॉन्स को एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। तो ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्प्लाइसियोसोम कैन रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट एंड स्प्लाइस टुगेदर एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर द पार्ट दैट आर रिमूव फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट, मीनिंग दे आर नॉट ट्रांसलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। क्लियर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फूड एनर्जी पासिस फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, क्या पूरी एनर्जी चली जाती है बच्चों जब हर्बीवोर्स ग्रास को ईट करते हैं? अच्छा चलिए शुरू से देख लीजिए, जब सनलाइट से लेते हैं प्लांट्स, तो क्या प्लांट्स में पूरी एनर्जी आती है? यस, आई। उसके बाद में जब प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने ईट किया तो क्या पूरी एनर्जी उनमें ट्रांसफर हुई? नहीं हुई ना, फ्रंट 10% ही होती है। फिर जब हर्बीवोर्स को उन्होंने ईट किया, किसने, कार्निवोर्स ने, तो क्या पूरी होगी ट्रांसफर? नहीं होगी, सिर्फ 10% ही होगी। तो क्या होगा, सम एनर्जी डिक्रीज्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दे रखा है और ये पूरा डायग्राम भी मैंने दे दिया है। डायग्राम इसलिए दे दिया है ताकि आप देख लें कि कहां पर कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कहां पे कौन सा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, द काउंटर करंट मैकेनिज्म चेंजेस द आइसोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू हाइपरटोनिक यूरिन बाय इंक्रीजिंग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द वॉल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू वॉटर वेयर एज असेंडिंग लिम इज इम्परमिएबल टू वॉटर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर इन डीसीटी इज फैकल्टेटिव। होता है क्या फैकल्टेटिव? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। The water reabsorption in the distal part of the nephron is according with the body state of hydration under the influence of ADH and it is termed as facultative reabsorption of water. Or D option आपको दे रखा है, as the filtrate passes through the ascending limb, sodium is transported passively in the ascending thick segment. तो यहाँ पे जो आपको correct option होना चाहिए बच्चों, as per me, that is the according to me, यहाँ पे आपका A option जो है वो होना चाहिए right answer. I will check this question again. बहुत जल्दी में किया है तो थोड़ा सा doubt लग रहा है, but I will check this question again and will tell you the answer in the next video also. या मुझे अभी strike होता है तो मैं अभी बताती हूँ आपको. Next question है आपका, in an organism, enzymes generally have same pH and temperature optima, same pH but different temperature optima, and different pH but same temperature optima, different pH and different temperature optima. तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर एक एंजाइम जो होता है उसका डिफरेंट पीएच होता है उसकी एक्टिविटी के लिए, यानी कि किस पीएच पे वो एक्टिव होगा वो हर एक एंजाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो दैट कैन बी ऑप्टिमा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन यूनिक एंड फेवरेबल पीएच बट वैल्यू बट द सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा इज द करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर्स। अ पिस्टल में हैव मेनी कार्पल्स,
एंड ईच कपल में हैव मोर देन वन ओव्यूल। इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। एंड ईच कपल हैज वन ओनली ओव्यूल, तो नहीं ये भी नहीं। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही करेक्ट होंगे, क्योंकि एक पिस्टल में ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं एक से, और ईच कार्पल में मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकते हैं। क्लियर गाइज? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लैक ऑपेरॉन का दे रखा है डायग्राम, तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको, इनमें से स्टेटमेंट में कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं। तो ईच ऑपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेशर, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। वाई जीन जो है वो इनकोड करता है परमिएज को, जो कि परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है सेल की बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। एंड द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन कैन बी विजुलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एज पर मी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। यहाँ पे आप लैक ऑपेरॉन का डायग्राम देख लीजिए, जो जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा है, वाई जो है वो परमिएज को कोड कर रहा है, जो कि आगे चल के परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड कर रहा है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज फाउंड बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन? कॉमन सेलिज्म होता है इसका करेक्ट आंसर। एक डिस्क्रिप्शन यहाँ देख लीजिए, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन शो अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन नोन एज कॉमन सेलिज्म। इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीशीज is benefited while the other is neither harmed nor benefited. Clear? So correct option is the D option here. Next question है आपका, in vertebrates the notochord is modified into vertebral column. सबको पता होगा. Next question क्या है आपका? The hormones released during post-ovulatory phase helps in maintaining of pregnancy, development of secondary sexual character, ovulation, increase in production of FSH and LH. बहुत ही confusing options हैं. ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो आगे की साइकिल को बढ़ाता है सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करके, तो ओव्यूलेशन ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी मिले, बहुत जल्द में मैंने इसको सॉल्व किया है पेपर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स पहुंचा सकूं आपके पास में। तो अगर मुझे फील होता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगी। स्टिल अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि मैम प्लीज चेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन। क्लियर गाइस? और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब तक तो आपको आई थिंक लाइक कर देना चाहिए था, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना चाहिए। इन रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मेल्ड्यू वेयर इंड्यूस्ड बाई म्यूटेशन? वीट, मूंग बीन, भिंडी, चिली? मूंग बीन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्क्रीनशॉट्स को मिला दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन दिख जाए। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट हॉर्मोन्स एंड द सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑन द बॉडी इन ह्यूमंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑन थ्री ब्लैंक्स। ए बी सी आपको दे रखा है, ठीक है। एस्ट्रोजन, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, बी है रेजेस ब्लड शुगर, एंड सी एंटीरियर पिट्यूटरी, सी ओवर सेक्रेशन लीड्स टू द गिगेंटिज्म। करेक्ट आंसर ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखा है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरी इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवा इन एडिशन टू इट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरी इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवा इन एडिशन टू इट। ओवरी एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड वेयर इट सेक्रीट्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एस्ट्रोजन हेल्प्स टू डेवलप एंड मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Glucagon is secreted by alpha cells of islets of Langerhans, which helps to maintain the glucose level by preventing glucose level from falling too low. The pituitary is the master gland of the body, which controls the function of various other glands. It is divided into two lobes, anterior and posterior. The posterior lobe secretes growth hormone. Over secretion of this hormone leads to the gigantism and is mostly caused by a tumor in the gland. It results in over secretion of growth hormone. तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द ए ऑप्शन। यहाँ पे ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन सेक्रीट कर रही है, जो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो आपका ग्लूकेगॉन सेक्रीट कर रही हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सेक्रीट कर रही है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेट ऑफ प्लांट्स वॉज ग्रोन एट 12 आवर्स डे। एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा एग्जाम में इस टाइप का, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक डायरेक्ट बता रही हूँ कि जो प्लांट है अगर वो 12 आवर्स डे दे रहे हैं उनको, जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और 12 आवर्स नाइट पीरियोडिक साइकिल चल रही है।
अगर इंटरप्शन हम उसमें दे दे रहे हैं नाइट में फ्लैश लाइट का, ठीक है, तो वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उसको कौन सा प्लांट कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, सिंपल एक्सप्लेनेशन, याद कर लीजिए इस चीज को। क्लियर गाइज? एक्सप्लेनेशन चाहिए, यहां से देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। मैं नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि आपको टाइम मेरे पास में कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें देखिए बहुत सिमिलर टाइप के आंसर्स दे रखे हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा द डिक्रीज इन बायोडायवर्सिटी एज ई ट्रांजिशन लेवल, यही करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो फास्टर नहीं होता है बच्चों, सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो फास्टर होता है। जैसे जैसे बायोडायवर्सिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, यानी कि सपोज दैट आप सोच लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है तो जो ट्रीज जल गए हैं तो क्या वहां पे जल्दी से होगा? नहीं। तो जो बायोडायवर्सिटी वहां पे जो बची होगी वो उनमें क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस फास्ट होगी ना? यस, होगी कि कम होगी? तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, एज पर मी, आप भी इसको देखिए थोड़ा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यहाँ पे मैम ऐसा हो सकता है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टैक्सॉन विच इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज इनडेंजर्ड या क्रिटिकली इनडेंजर्ड, वल्नरेबल या एक्सॉटिक। डेफिनेटली क्रिटिकली इनडेंजर्ड इज करेक्ट ऑप्शन हेयर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, टैक्सॉन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। एग्जाम्पल भी दे दिया है मैंने, पिग्मी हॉग जिसका साइंटिफिक नेम है सिस साल्वेनियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड नो चेंज इन द आइसोलेटेड फौना। ये देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए वो होगा स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसको पढ़ लीजिए, कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज यस, ईसीजी का आपको ये ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ये पी क्यू आर एस इनमें से ये कौन सा सही सेंटेंस दे रखा है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पी वेव जो इज फॉर्म्ड व्हेन द आर्टेरिया द टू अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। क्यूआरएस जो होता है इज फॉर्म्ड व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू पंप आउट ब्लड, इट इज वन कंप्लीट पल्स। एंड जो एसटी होता है मेजर्स द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स टू द बिगनिंग ऑफ द रेस्ट पीरियड बिफोर द वेंट्रिकल्स बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट द नेक्स्ट बीट। एंड टी वेव मेजर्स द रेस्टिंग पीरियड ऑफ वेंट्रिकल्स। जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द डी ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस वन कंप्लीट पल्स। क्लियर? सो बाकी जो है वो करेक्ट नहीं दे रखे हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका सिर्फ डी ऑप्शन ही दे रखा है, सो इट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे अभी हम पहुंचे हैं, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा है, तो मे बी हम लोग इस वीडियो में से 45 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद ही मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारे 90 क्वेश्चंस मिल जाए और आप उसको जल्द से सॉल्व कर लीजिए। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है और सबसे फास्ट सबसे चीज है जो मैंने आपको इसको प्रोवाइड कराया है, इतनी जल्दी किसी का भी वीडियो नहीं आया है पेपर 7 का। क्लियर गाइस? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। फीमेल एनोफिलीज बाइट्स द सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस, ह्यूमन फिटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, हेड लाउज लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। यही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है मैंने। और कुकू लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट, नो दिस इज नॉट करेक्ट, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विद एक्सप्लेनेशन पहले से ही दे दिया है मैंने आपको कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा मेनली बिकॉज ऑफ द, क्या रीजन है? एक ही रीजन है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है, फ्रेश वाटर से चाहे सी वाटर में जाएं या सी वाटर से फ्रेश वाटर में आए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। मैं सारे ऑप्शन नहीं रीड कर रही हूँ, आई एम हैविंग पेन नाउ इन माई नेक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स? हीमोग्लोबिन, केराटिन, रूबिस्को, कोलेजन। कोलेजन जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर गाइज? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली, सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसेंट्रेशन इन आरबीसी, करेक्ट है। हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली जहां पे PCO2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे वो बाइंड करेगी। अगर PO2 का ज्यादा होगा तो वो बाइंड करेगी, जिसका ज्यादा होगा वही बाइंड करेगा। CO2 इज कैरिड इन हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। देख लीजिए बच्चों, अच्छे से सारा पॉइंट दे दिए हैं मैंने, तीनों के तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के 45 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका वो वीडियो आया। और वीडियो को पता करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो 45 क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन इफ डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इट वुड ड्राइव पोटेशियम इन टू द सेल, पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल, सोडियम इन टू द सेल, सोडियम आउट ऑफ द सेल। क्या लगता है क्या होगा सही आंसर यहाँ पे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा सी वाला आपका, कि सोडियम इनटू द सेल। एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, देखिए, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द नर्व सेल द साइटोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, व्हाइल द सराउंडिंग फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन एंड साइटोप्लाज्म हैज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। दस इफ डिफ्यूजन अकर दो then through concentration gradient the sodium ion enters into the nerve cell. So C option is correct here. So बच्चों ये थे आपके 45 question national test अभ्यास paper 7 biology के। physics के किसको किसको चाहिए जल्दी से comment section में बताना मुझको, और वीडियो को like जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा share करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। सो गाइज, मैं अब जा रही हूँ आपके लिए इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा अपने गले को रेस्ट दे करके, और उसके बाद मैं थोड़ी देर में ही आपको सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। और गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज।